और यहाँ पर लोग बेचते हुए सर्जी फरी क्या भाव है? ₹10 किलो। देख लीजिए बहुत ही ज्यादा सस्ती सब्जी को बेचते, टमाटर, भिंडी, गोभी, बहुत सारी मूली, करेला, सर जी क्या भाव है सब्जी? ₹20 किलो। सारी सब्जी ₹20 किलो। मतलब कह सकते हैं सब्जी जैसे हरी भरी है वैसे ही आप भी हरे भरे हैं, मतलब क्या कारण है? और सेव क्या भाव दिए? सेब दिया ₹50-60 चल रहा है। और अनार क्या भाव दिए? अनार ₹50-60 चल रहा है। 50-60 चल रहा है, मतलब कह सकते हैं महंगा है कि सस्ता है? सस्ता ही है, अभी तो हाल की तारीख में क्या ना? सस्ता है दोस्तों, अनार खाइए, सेब खाइए और मोटे ताजे हो जाइए। और मतलब कह सकते हैं मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और सर जी शुभ नाम बताइए। रूप सिंह कुशवाहा। और कितने दिनों से ये सब्जी बेच रहे हैं? 20 साल हो गए। बहुत ज्यादा, ये देखिए बहुत ही ज्यादा हरी भरी सब्जी आपको मिल जाएगी। कारण है खुद भी ज्यादा हरे भरे हैं तो सब्जी क्यों हरी भरी नहीं बेचेंगे, मतलब अच्छे स्वस्थ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य आपको गुना की गल्ला मंडी का दिखा रहा हूँ। वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। तो देख लीजिए दोस्तों, ले आया हूँ मैं आपको पुरानी गल्ला मंडी। ये देख सकते हैं लाल लाल टमाटर यहाँ पर बिकते हुए। मैं भाव पूछने की कोशिश करूंगा। सर जी क्या भाव दिए? टमाटर 20 के आधा किलो दिए। सस्ते कर दिए आपने, क्या कारण है? कारण ये पैदावार ज्यादा हो गई, है। ये देख सकते हैं लाल लाल टमाटर। और ये हमारे भाई साहब प्याज बेच रहे हैं। ये प्याज और टमाटर बताने का कारण है, प्याज भी सरकार गिरा देती है और टमाटर भी सरकार गिरा देती, इसीलिए प्याज और टमाटर दोनों बता रहा हूँ। और तो सब्जी मैं कह सकता हूँ सब सब्जी होती है, लेकिन प्याज और टमाटर सरकार बना देते हैं। मैं पूछने की कोशिश करूँगा, बताइए पहले तो प्याज क्या भाव? 25 रुपए किलो। महंगी कर दी आपने आएंगे। और मतलब कह सकते हैं ये देखिए, मतलब इस बार सभी को देता है धंधे बराई बराबर हो, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ। इस बार सभी को देता है, सबका अपना अपना भाग होता है, चाहे एक ठेला हो चाहे हजार ठेले हो। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस ब्लॉग में। और देख लीजिए मैं आज आपको फिर हमारी पुराना गल्ला मंडी ले आया हूँ। पहले लाया था जब बारिश हो रही थी, जब भी जनता परेशान थी, और अब सूखा हो गया है तो और जनता परेशान है। मैं बैक कैमरे से आपको गुना की गल्ला मंडी का दृश्य दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं बहुत ज्यादा व्यस्त एकमात्र गल्ला मंडी है। यहाँ पर हजारों लोगों के व्यापार चलते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। और ये देख लीजिए बहुत ही ज्यादा सुंदर हमारी गुना की गल्ला मंडी, मतलब कह सकते हैं अगर आप गाड़ी से निकलेंगे तो आपका पेट का पानी नहीं हलेगा, क्योंकि कारण है बहुत ही ज्यादा चिकनी रोड़े हैं हमारी। सर जी शुभ नाम बताइए। देखिए लोग कैमरे को बहुत समझते हैं। देखिए 2024 का युग है, खुल के बातें कीजिए, आपको बरसों तक मेरा चैनल रखेगा अपने मतलब कह सकते हैं फेस के साथ। देखिए गुना की गल्ला मंडी, मतलब कह सकते हैं देखिए एक भी आपको पत्थर का टुकड़ा नहीं मिलेगा। आप देख रहे होंगे ये पत्थर नहीं है, ये थोड़ा सा चिकना ज्यादा किया गया है। ये देख लीजिए गुना की गल्ला मंडी का दृश्य। यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग, ये देखिए अंकल जी थोड़ा सा ठेला को हाँकते हुए। और ये देखिए बहुत ज्यादा कष्ट है, कारण है ये देख सकते हैं, कहने के लिए नहीं है, ये देखने के लिए है कि गल्ला मंडी में किस तरह बदतर हालत हुई है। कब तक व्यक्ति, कब तक 2-5 साल तक क्या आदमी इंतजार ही करता रहेगा? अब ये रोड डलेगी, अब ये रोड डलेगी। गुना आज भी बहुत ज्यादा वंचित है, मतलब कह सकते हैं गुना आज भी 2000 के युग का चल रहा है, जबकि गुना में 2024 आ गया है। लेकिन यहाँ के प्रशासन, ये देखिए हमारे एक नानाखेड़ी निवासी हैं, और बताइए क्यों पानी कितना आ रहा है नानाखेड़ी पर? पानी अच्छा आ रहा है यार, सुबह सुबह आधा बड़ी आधा पानी के ना डेली आता है, डेली आता है, मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्रसन्न है। और सेब क्या भाव दिए? सेब दिया ₹50-60 चल रहा है। और अनार क्या भाव दिए? अनार ₹50-60 चल रहा है। 50-60 चल रहा है, मतलब कह सकते हैं महंगा है कि सस्ता है? सस्ता ही है, अभी तो हाल की तारीख में क्या ना? सस्ता है दोस्तों, अनार खाइए, सेब खाइए और मोटे ताजे हो जाइए। और मतलब कह सकते हैं मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। आइए मैं आपको पूरी पूरी हमारी गल्ला मंडी का, मेरी गाड़ी रखी हुई है,
आइए थोड़ा सा अंकल जी कुछ कहना चाहते हैं तो आइए, मैं आप यही बोलिए, बताइए पहले शुभ नाम बताइए। मैं तूफान सिंह ढाकर। तूफान सिंह कहाँ रहते हैं? जो अपना घर है, जो ये आपका घर है? हाँ। दुकाने हैं आपकी? दुकाने मंडी ने बनाई है हमारे, 5 कमरा टूर के वो लकीर कलेक्टर के टाइम पे और शिवानी मैडम ने। ये देखिए वो आई थी, बहुत ज्यादा तेज तर्रार थी, वो जा चुकी है, अब कुछ कीजिए बनाइए। देखिए देखिए, ये इस मामले में नहीं पढ़ूंगा, मेरा चैनल है, मैं नहीं, देखिए ये अलग मैटर है, इसको दूर रखिए मेरे चैनल से। आइए मैं आपको और थोड़ा सा दृश्य दिखाऊंगा, यहाँ पर सब्जी बेचते हुए हमारे देखिए देसिंग यंग मैन। सर जी शुभ नाम बताइए। और कितने दिनों से ये सब्जी बेच रहे हैं? 20 सालों में। बहुत ज्यादा, ये देखिए बहुत ही ज्यादा हरी भरी सब्जी आपको मिल जाएगी, कारण है खुद भी ज्यादा हरे भरे हैं तो सब्जी क्यों हरी भरी नहीं बेचेंगे, मतलब अच्छे स्वस्थ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य आपको गुना की गल्ला मंडी का दिखा रहा हूँ, वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। काम नहीं चलता है, बमोरी के लोग यहाँ आए हुए हैं कोई काम से। ये देखिए हमारे अंकल जी, पहले तो शुभ नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल है। कब से मसाले का व्यवसाय कर रहे हैं? 20 साल से कर रहे हैं, और हो जाता है भगवान की कृपा से, हो जाता। और काफी अच्छे अच्छे आपके सभी तरह के मसाले होंगे, सभी तरह के मसाले आपको मिल जाएंगे, और मतलब कह सकते हैं ये देखिए, मतलब इस पर सभी को देता है, धंधे बराई बराबर हो, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ, इस पर सभी को देता है, सबका अपना अपना भाग होता है, चाहे एक ठेला हो चाहे 1000 ठेले हो, बाजार किसको कहते हैं? बाजार इसी को कहते हैं। शुभ नाम बताइए। गजानंद। और कब से व्यवसाय कर रहे हैं? 20 साल से। काफी टाइम से व्यवसाय कर रहे हैं, ये देख लीजिए गुना में बहुत ज्यादा सस्ता मसाला मिलता है, बाहर के निवासी हैं तो गुना में आप आइएगा, आपको बहुत ज्यादा सस्ते आइटम मिलेंगे, कारण है गुना बहुत ही ज्यादा सुंदर सिटी है। ये देखिए गुना के निवासी हैं। सर जी शुभ नाम बताइए। अरे टाइम नहीं है। ओहो सर जी कोई बात नहीं, देखिए मतलब कह सकते हैं कैमरा आज भी लोगों के लिए थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन 2024 का युग है, खुल के बातें कीजिए, आपको बहुत दूर तक मेरा चैनल ले जाएगा। ये देखिए एक सुंदर ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। क्या भाव है मिर्ची? 10 की पाव। 10 की पाव पर इतनी सस्ती क्यों? सस्ती चल रही है। मतलब कह सकते हैं तरह तरह की मिर्ची, धनिया अदरक क्या भाव है? 40 का पाव है। मतलब सस्ती सब्जी है, पाव सब्जी सस्ती है कि महंगी है? बहुत सस्ती है। तो किसको फायदा है, आपको क्या ग्राहक को? सबको फायदा है। दोस्तों देख लीजिए सब बहुत ज्यादा खुश हैं, ये देखिए लाल लाल टमाटर बिकते हुए, और मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा सुंदर ब्लॉग बनाने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, तो देख लीजिए दोस्तों, ले आया हूँ मैं आपको पुरानी गल्ला मंडी। ये देख सकते हैं लाल लाल टमाटर यहाँ पर बिकते हुए, मैं भाव पूछने की कोशिश करूंगा। सर जी क्या भाव दिए? टमाटर 20 के आधा किलो दिए। सस्ते कर दिए आपने, क्या कारण है? कारण ये पैदावार ज्यादा हो गई, है। ये देख सकते हैं लाल लाल टमाटर, और ये हमारे भाई साहब प्याज बेच रहे हैं। ये प्याज और टमाटर बताने का कारण है, प्याज भी सरकार गिरा देती है और टमाटर भी सरकार गिरा देती, इसीलिए प्याज और टमाटर दोनों बता रहा हूँ। और तो सब्जी मैं कह सकता हूँ सब सब्जी होती है, लेकिन प्याज और टमाटर सरकार बना देते हैं। मैं पूछने की कोशिश करूँगा, बताइए पहले तो प्याज क्या भाव है? 25 रुपए किलो। महंगी कर दी आपने? महंगी नहीं, सस्ती है। सस्ती है, ये देख लीजिए एकदम बहुत ही बढ़िया आपको प्याज मिल जाएगी। ये देखिए आलू सजे हुए हैं पुरानी गल्ला मंडी में, आपको बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। कद्दू क्या भाव दिया? 10 रुपए किलो दिया। इतना सस्ता क्यों है? आ गया है ज्यादा। इसका तो कुछ हलवा वगैरह बनता है ना? बनता है। तो फिर जनता क्यों नहीं खा रही है? ये देखिए भिंडी क्या भाव है भैया जी? 40 रुपए किलो। कुछ सब्जी का भाव अच्छा है तो कुछ सब्जी का भाव बहुत ही ज्यादा सस्ता है।
देख सकते हैं पुरानी गल्ला मंडी में लाने का कारण है। देखिए आज मैंने सोचा चलिए एक सुंदर ब्लॉग बनाया जाए। पहले ब्लॉग बनाया था उस समय बारिश हो रही थी और अब बारिश नहीं हो रही है। ये देखिए बहुत ही ज्यादा गरम मसाले को बेचते हुए ये हमारे भाई साहब। पहले तो शुभ नाम बताइए। धीरू, धीरू नाम है। और कब से मसाले का व्यवसाय कर रहे हैं? 5 साल से। क्या भाव देते हैं? 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो में मतलब ऐसा कैसा मसाला बनाते हैं कि सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी? जी बिल्कुल। वादा करेंगे आप? बिल्कुल वादा। टेस्टी सब्जी लगेगी, होटल जैसी? होटल जैसी सब्जी आपको मिल जाएगी। दोस्तों आप रेडीमेड मसाले को छोड़िए और इनके पास आइएगा, आपको 1000 रुपए किलो में वो मसाला बना के देंगे जो आपको सब्जी में टेस्ट बना देगा। टेस्ट मतलब जिंदगी होती है खाना। बताइए सर जी शुभ नाम। चंद्रेश नाम दे। और कब से व्यवसाय कर रहे हैं? 10 साल हुआ। और ये क्या है? केसर है। ये देखिए रियलिटी बताइए कि ये सचमुच केसर है? सच में केसर मसाले, केसर कलर के लिए। मतलब मैंने तो सुना है केसर तो वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। वो नहीं, मसाले के लिए। अच्छा, मसाले के लिए केसर है, क्योंकि मैंने सुना है बहुत ही ज्यादा महंगा होता है केसर। देख लीजिए गरम मसाले के आपको स्टॉल दिखा रहा हूँ, सब जगह के दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये गांव के निवासी हैं। सर जी शुभ नाम बताइए। राम सिंह। कहाँ से हैं? बमोरी। बमोरी से आए हुए हैं यहाँ सब्जी वगैरह लेने? हाँ। पर बमोरी भी तो जिला है कि सिटी है? लेकिन काम था, तहसील बमोरी है। तहसील बमोरी है? और तहसील मतलब ये गोंडा जिले में कुछ काम होता होगा? काम अभी बमोरी में नहीं होता है। बमोरी में भी होता मेरे आलू। तो देख लीजिए दोस्तों गुल्ला मतलब कह सकते हैं गुना की गल्ला मंडी का शोर देख सकते हैं। यहाँ पर सस्ती, बहुत ज्यादा सस्ती सब्जी हो गई है। ये देखिए गुना में बहुत ज्यादा लोग सब्जी को खरीदते हुए और यहाँ पर लोग बेचते हुए। सब्जी फरी क्या भाव है? 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो। 10 रुपए। देख लीजिए बहुत ही ज्यादा सस्ती सब्जी को बेचते हुए यहाँ पर गुना के गल्ला मंडी के व्यापारी। ये देखिए मैं मिलवा रहा हूँ आपको, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, आलू का व्यवसाय करते हैं। बताइए क्या शुभ नाम है? संतोष कटीक। और कब से आलू का व्यवसाय कर रहे हैं? 20 साल। 20 साल। कैसा लगता है आलू बेचने में? आपको पसंद है आलू? बढ़िया। ये हमारे चाचा साबिर खान। ये देख लीजिए आलू पसंद नहीं है? आलू मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आलू के बहुत सारे व्यंजन बन जाते हैं जो मन को बहुत ज्यादा तसल्ली देते हैं। चैनल है मेरा यूट्यूब पर, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम नंदित सूर्य यादव। और यहाँ सब्जी लेने आए थे कि यहाँ से गुजरना हुआ? नहीं नहीं, मैं तो मार्केट में पूरा काम करता हूँ, हलवाईगिरी काम करता हूँ। हलवाईगिरी का कार्य करते हैं? पर अभी तो शादी ब्याह बंद है, तो कैसे मतलब हलवाई का काम चल रहा है? होटल है। होटल है आपकी कहाँ पर? गौसीपुरा में होटल है। और यहाँ पर सब्जी वगैरह मंडी में घूमते हुए अपना कार्य को करते हुए आज मैं आपको एक सुंदर ब्लॉग बनाने यहाँ पर आया हुआ हूँ। कारण है गल्ला मंडी की सस्ती, बहुत ज्यादा सस्ती सब्जी हो गई है। ये देखिए ककड़ी का भटा, टमाटर, भिंडी, गोभी, बहुत सारी मूली, करेला। सर जी क्या भाव है सब्जी? 20 रुपए किलो। 20। सारी सब्जी 20 रुपए किलो। मतलब कह सकते हैं सब्जी जैसे हरी भरी है वैसे ही आप भी हरे भरे हैं। मतलब क्या कारण है? आप खुद ही खाते हैं ये सारी सब्जी? ये देख लीजिए सब्जी खाने से व्यक्ति में कितना परिवर्तन आता है, ये देख सकते हैं। बिल्कुल भटा, टमाटर, आलू जो चाहिए वो आपको गल्ला मंडी के अंदर मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर व्यवसाय करते हुए यहाँ की वीडियो बनाने का कारण है गुना की जनता को दिखाना गुल्ला मंडी में क्या क्या आपको मिल जाएगा और यहाँ पर कितने वर्षों से लोग व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन किसी ने इनको नहीं दिखाया है। मैं दिखाऊंगा अपने कैमरे पर। बताइए सर जी शुभ नाम बताइए। राहुल कुशवाहा। और यहाँ पर कब से व्यवसाय कर रहे हैं? 15 साल हो चुके हैं। 15 साल हो गए। हाँ। तो कब से मतलब आपकी उम्र कितनी होगी? 35 साल। 35 साल यानी 20 साल से शादी के बाद से कार्य कर रहे हैं कि पहले से? बहुत पहले से, छोटे से। बहुत पहले से सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही ताजी आपको सब्जी मिल जाएंगी गुना की गल्ला मंडी के अंदर। ये देखिए हरे हरे टमाटर, भटा, क्या भाव है भाई साहब? 20 रुपए चला टमाटर 20। कैसे, शुभ नाम बताइए अपना। रूप सिंह कुशवा। और आप कब से व्यवसाय कर रहे हैं? 10 साल से। ये सब्जी वगैरह कहाँ से, घर से लाते हैं? नहीं, मंडी से।